हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे के पार्ट 15 का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा तो जल्दी से जाएं उन पार्ट्स को देखें, फिर इस पार्ट को शुरू करें, क्योंकि कहानी बहुत शानदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर के आपको लेकर चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहे। कहानी वहां से शुरू होती है जहां से पार्ट 14 का एंड हुआ था। हम देखते हैं मेबुआ की बात सुनने के बाद विधेय मार्केट में घूमने के लिए आता है। तभी उसको तलाशते हुए लुआंग की बहन उसके पास आ जाती है। अब लुआंग की बहन को देखकर उसे कुछ देर के लिए उसके पास बैठना पड़ता है। लुआंग की बहन विधेय के कान में कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर विधेय हंसते हुए उसके पास से चला आता है, ये कहकर कि जल्द ही उसके घर वो रिश्ता लेकर आने वाला है। अब ये बात सुनकर लुआंग की बहन बहुत ही खुश होती है। वो सीधा ही चंपा हाउस आती है, जहाँ पर और लुआंग के बाकी मेट से बात कर रही होती है। तभी वो लुआंग की बहन को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि कैसे आना हुआ। तब लुआंग की बहन कह देती है कि आज शाम ही विधेय अपने पेरेंट्स के साथ उसका हाथ मांगने के लिए आने वाले हैं। अब ये बात सुनकर ऑन के होश ही उड़ जाते हैं कि ये इसने क्या किया, ऐसे हमारा लड़के के साथ उसका घर बसाने की बात कर रही है। खैर, ऑन अब खुद को संभाल लेती है और शाम होती है, मेबुआ के साथ उसके पेरेंट्स, विधेय और इनकी इकलौती माँ, सारे ही लोग चंपा हाउस आ जाते हैं। अब ये देखकर लुआंग की बहन बड़ी ही खुश हो रही होती है कि उसने इतने सच्चे इंसान से प्यार किया कि वो उसका हाथ मांगने फौरन ही उसके घर आ गया। लेकिन उसका ये सोचना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि विधेय तो मेबुआ के बताए हुए प्लान के तहत यहाँ पर आया होता है। खैर, अब बड़े बूढ़े सभी लोगों की मीटिंग होती है और सभी लोग बैठते हैं, बात को शुरू करते हैं और इन बातों को दीवार के पार लुआंग की बहन सुन रही होती है, साथ में उसके ऑन भी होती है। अब मेबुआ के ग्रैंडफादर लुआंग की माँ से कहते हैं कि वो विधेय को इस घर का दामाद बना ले, जिस बात को सुनकर लुआंग का पारा हाई हो जाता है और लुआंग की माँ कुछ ना समझने का नाटक करती हैं। लुआंग की बहन शर्माते हुए फेस को नीचे करके अपनी उंगली के बढ़े हुए नाखून को खाने लगती है और आन ये सब देखकर सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, अब दादाजी लुआंग की माँ को समझाते हैं कि वो अपने सुंदर सुशील बालक के लिए ऑन के हाथ को मांगना चाह रहे हैं। अब ये सुनकर तो मजा ही आ जाता है। लुआंग तलवार निकाल कर खड़ा हो जाता है और लुआंग की बहन के मोटे मोटे आंसू निकलने लगते हैं और ऑन सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे इस गीदड़ से शादी करना चाहिए। फिर वो सोचती है कि वो कभी भी इसे शादी नहीं करेगी। खुद को होश में लाते हुए लुआंग से कहती है कि वो साफ मना कर दे कि वो थीर से शादी नहीं करेगी। अब इस बात को सुनकर मेबुआ कहती है कि लुआंग का सहारा पाकर वो ऐसा बोल रही है, उसे ऑन को पिते से शादी करना ही होगा। उनके इस बात को सुनकर वहाँ पे बैठे सारे ही लोग एक दूसरे के फेस को देखने लगते हैं और विधेय अपनी माँ की चुन्नी को पकड़ते हुए जिद करता है कि वो सिर्फ ऑन से ही शादी करेगा। इस पर विधेय की माँ तरस वाली निगाह से अपने बेटे को देखती हैं, क्योंकि यह सबसे लाडला बेटा जो उनका होता है। खैर, यह सब सीन होने के बीच ही लुआंग की बहन कहती है कि ये कैसे मुकर सकते हैं, वो विधेय के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब ये बात सुनकर महफिल के सारे ही लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और लुआंग उठकर खड़ा हो जाता है और लुआंग की माँ का बीपी हाई हो जाता है, क्योंकि उनकी बेटी ने ये कैसा गुल खिलाया था। साथ ही विधेय के दादा उसको गुस्से से देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब तो थेब को लुआंग की बहन से ही शादी करना होगा, लेकिन थेब इनकार कर देता है। उसकी इस बदतमीजी को लुआंग बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है और सबको यहाँ से भगा देता है, ये कहकर कि अगर थेब हमारी बहन से शादी नहीं करेगा तो वो भी मेबुआ से शादी नहीं करेगा। अब तो मेबुआ की तलवार मेबुआ पर ही आ गिरती है। ऐसे में वो रोते चीखते यहाँ से जाने लगती है। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर टॉस आता है, जिसे लुआंग की माँ देखकर कहती हैं कि थेब ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा, अब क्या तुम उस बची हुई कसर को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सुनकर टॉस बेचारा मासूम उनसे माफी मांगता है, लेकिन किसी का भी मूड अच्छा नहीं होता, ये देखकर वो भी यहाँ से चला जाता है। अब उनके जाने के बाद लुआंग की माँ
कमजोरी का शिकार होते हुए एक मेट के सहारे यहाँ से जाने लगती हैं। उनको जाता हुआ देखकर लुआंग की बहन उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगती है, लेकिन वो उसके हाथ को रौंदते हुए यहाँ से चली जाती हैं। अब लुआंग की बहन लुआंग की तरफ बढ़ती है, तब वो भी चला जाता है और ये कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही बहन थी जो कि उसकी लाज को ना रख सकी। इस तरह लुआंग की बहन तनहा पड़ जाती है। अब वो अपने रूम में जाती है, रूम में ले जाने का काम ऑन कर रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए ऑन को उसका ख्याल रखना जरूरी था। उधर मेबुआ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादा मार मार कर पिथेब की पीठ को लाल किए होते हैं और मेबुआ कह रही होती है कि कैसे नहीं करोगे तुम लुआंग की बहन से शादी, तुम्हें लुआंग की बहन से तो शादी करनी ही होगी। यही बात मेबुआ की माँ भी कहती है, लेकिन पिथेब की माँ कहती है कि जब मेरा बेटा राजी ही नहीं है तब मैं उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकती हूँ। इस तरह कहकर वो दादा के कहर से पिथेब को बचा लेती है। माहौल काफी भयानक होता है, इसलिए सभी लोग यहाँ से इधर उधर हो जाते हैं। अब हमें टॉस को दिखाया जाता है जो कि पिथेब के पास जाकर उसे समझाता है, कहता है कि थोड़ा सा रहम करो, एक औरत पर ऐसा जुल्म ना करो। जिस पर पिथेब उसे गिरा गिरा कर मारता है। मार खाने के बाद टॉस को भी अकल आ जाती है कि ये इस तरह समझाने के लायक नहीं है। इधर लुआंग को दिखाया जाता है जो कि रो रहा होता है और मुआंग उसे समझा रहा होता है। तभी हम ऑन को देखते हैं जो कि लुआंग की बहन के रूम में जाती है और तभी वो देखती है कि वो सुसाइड करने जा रही है। ये देखकर वो काफी डर जाती है और उसे बचा लेती है और फिर उसे समझाती है कि हालात का मुकाबला करना सीखो ना कि मरना। तुम मरी तो एक मासूम भी बिना गुनाह ही मारा जाएगा, जिस पर लुआंग की बहन मान जाती है। फिर किसी तरह लुआंग को भी ऑन समझा लेती है कि वो अपनी बहन से नाराज नहीं हो, एक माँ ही को नाराज रहने दे, दोनों की नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और सुसाइड कर लेगी। ये बात लुआंग के भी समझ में आ जाती है। इधर ऑन सारे ही मेट्स को समझा लेती है वो उसकी हेल्प करें, जिससे सभी राजी होते हैं। अब लुआंग थेब के पीछे पड़ जाता है, उसे वो मारना चाहता है लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक रखा है, इसलिए पिथेब के एक आदमी को वो पकड़ लेता है जो कि स्मगलर का काम करता है। ये बात जब पिथेब को पता चलती है तब वो डरते हुए अपने तबाही का मंजर याद करने लगता है। इधर मेबुआ पिथेब की माँ से लड़ रही होती है कि उसे लुआंग की बहन को अपनी बहू बना लेनी चाहिए क्योंकि थेब ने उसके साथ गलत किया है, जिस पर थेब की माँ कहती है लुआंग की बहन के मर्जी के बिना उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है और अगर वो समझदार होती तो ऐसा कुछ भी ना करती। इसमें दोनों ने गुनाह किया है, तब सजा मेरा बेटा ही क्यों भुगते। जब वो शादी उससे नहीं करना चाहता तो मैं कुछ भी उससे नहीं कह सकती हूँ। ये सुनकर मेबुआ को गुस्सा आ जाता है। वो थेब की माँ पर पतीली भगोना गिलास फेंक कर मारने लगती हैं। किसी तरह पथुम उसको रोकती है, फिर ठंडे पानी में गुलाब की पत्ती डालकर क्रोधानंद स्नान कराती है जिससे कि क्रोध से वो आनंद में आ सके। लेकिन मेबुआ तो जन्मों की गुस्सैल होती है, कहाँ ये गुलाब की पत्तियों का उस पर असर होने वाला था। अब हमें लुआंग की माँ को दिखाया जाता है जो कि घर की टेंशन से तंग आकर अपने मायके जाने की बात करती हैं। साथ में लुआंग और ऑन भी उन्हें लेकर जाते हैं। लुआंग की बहन और चोरकी को घर में छोड़ देते हैं। अब वहाँ जाकर वो अपने फादर से मिलती हैं, जहाँ पर ऑन और लुआंग उन्हें छोड़कर आने लगते हैं। जिस बोर्ड से ये दोनों आ रहे होते हैं, पिथेप अपने बंदों से कहकर इन पर अटैक करा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि लुआंग ने जो ड्रग्स डीलिंग के एक बंदे को कैद में रखा था, इससे पिथेब की जान को खतरा था। अब बोट पर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लुआंग ऑन को अपने साथ लेकर पानी के अंदर जंप कर देता है, जिस वजह से वो लोग उसे मार नहीं पाते हैं। तभी टॉस को पिथेब की इस हरकत का पता चल जाता है। वो भागकर फौरन ही लुआंग के घर आता है। लुआंग की बहन और चोरकी को सारी बातें बता देता है। तब लुआंग की बहन कहती है कि वो तो ग्रैंडफादर के घर गए हैं। ये लोग फौरन ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि लुआंग तो कल दोपहर ही यहाँ से निकल गए थे। ये बात सुनने के बाद सारे ही लोग बहुत ही घबरा जाते हैं। अब हमें ऑन और लुआंग को दिखाया जाता है जो कि पानी के रास्ते अजीब ही जगह पहुंच चुके होते हैं। इन लोगों को यहाँ पर एक घर मिलता है जहाँ पर मूर्ति रखी होती है। इन लोग कैंडल जलाकर यहाँ पर ठहरे होते हैं। तभी इनके घर में एक कपल आते हैं जिसको ये लोग अपनी सारी परेशानी बताते हैं। तब वो ऑनर इन दोनों को
एक अच्छा सा घर देता है, साथ ही इनके गीले कपड़े को देखकर कुछ कपड़े भी देता है। इस तरह ये लोग साथ में होते हैं। तभी हम लुआंग की बहन को देखते हैं, जो कि पिथेप के भेजे हुए लेटर को देखकर रो रही होती है। उसमें वो लिखे होता है कि जो कुछ भी हुआ है सारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हुआ है, इसलिए वो उसे माफ कर दे। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।